नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी का थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर वीडियो देता हूँ, वो कल के लिए मतलब 31 जनवरी 2019 के लिए, सॉरी 2020 के लिए मैंने स्टॉक्स चुना है, इसका व्यू दूंगा। और उसके बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी और फ्यूचर्स का लेवल दिखाऊंगा। उसके बाद इंसाइड डबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, 100 डे EMA स्ट्रेटजी, NR4 NR7 और कैंडल स्टिक फॉर्मेशन दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत जरूर देखिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका व्यू आप लोग को रेगुलर मिल जाएगा। निफ्टी और निफ्टी का डायरेक्शन जो वीडियो देता हूँ वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे चार्ट का सेटअप है वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद बहुत सारा स्ट्रैटेजी और टेक्निक है वो भी आप लोग को स्टॉक मार्केट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इसका जो ये फाइल में क्या क्या है, कैसे स्क्रीनिंग करना है, उसका वीडियो भी आप लोग को मिल जाएगा। वो भी बहुत ही ज़रूरी है आप लोग को इस फाइल समझने के लिए। और मोस्ट इफेक्टिव का कैसे, मोस्ट इफेक्टिवली कैसे यूज़ किया जा सकता है, फिर स्ट्रैटेजी कैसे है, कैसा है, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और तो और इसका यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इसमें मैंने पूरा व्हाट्सएप फाइल शेयर करता हूँ। और ये सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारा यूट्यूब वीडियो का लिंक है वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये फाइल में क्या क्या है आप लोग, ये तीनों बाई सेल लेवल देता हूँ, तीनों सेट ऑफ बाई लेवल एंड सेल लेवल देता हूँ। बाई लेवल सेल लेवल 1, बाई लेवल सेल लेवल 2 और बाई लेवल सेल लेवल 3 और बहुत सारा इंडिकेटर्स रहता है। तो ये है बाई लेवल एंड सेल लेवल 1, बाई का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाई तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 डाले तरफ। सेल का भी ऐसा है कि सेल का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाई तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 डाले तरफ। अब लोग को परफॉर्मेंस वाला वीडियोस भी आप लोग देख लीजिए कैसे यूज़ किया जा सकता है। इसमें जो गैप अप और गैप डाउन है इसको कंसीडर कर लेना है। सोच लीजिए 259 और 260 का बीच में ओपन हुआ है, तो इसका आप लोग 260 का क्रॉस करके भी एंट्री ले सकता है, नहीं तो 200 ये टारगेट के लिए आप लोग कर सकता है। सोच लीजिए 259.95 के ऊपर ओपन हुआ, सोच लीजिए 260.15 में ओपन हुआ, तो 260.30 या 40 तक जाएगा। तो इसके बाद इसका लेवल क्रॉस करेगा तो इस लेवल आएगा, तो इस लेवल के ऊपर आप लोग एंट्री ले सकते हैं इस लेवल के लिए। तो उसके बाद इसके लेवल के लिए ऐसे कर करना है। उसके बाद मैंने बाई लेवल से लेवल 2 दिखाता हूँ। मार्केट ओपन होने के बाद कौन सा लेवल पे है वही देखने का जरूरत है, बस ये असली बात है। अच्छा, ये बाई सेल लेवल 3 और ये सॉरी बाई सेल लेवल 2 और इसके बाद बाई सेल लेवल 3, ये है बाई सेल लेवल 3। इसका R1 बीच एंट्री लेवल है, S1 बाई का एंट्री लेवल है, S1 सेल का एंट्री लेवल है। ये स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट है, ये भी आप लोग का एंट्री लेवल हो सकता है। और बोलिंजर बैंड का अपर बैंड, मिड बैंड, लोअर बैंड का वैल्यू नोट कीजिए, वो आप लोग को एंट्री पॉइंट हो सकता है। प्राइस चैनल का मिड बैंड, अपर बैंड, लोअर बैंड का वैल्यू नोट कीजिए, वो भी आप लोग को एंट्री पॉइंट हो सकता है। और ये जो टीराम लेवल है इसका टॉप लाइन, मिडिल लाइन और बॉटम लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोग को एंट्री पॉइंट हो सकता है। और इसके बाद मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन देता हूँ, ये भी आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए ताकि आप लोग को लाइव मार्केट में ट्रैक करने का बहुत ही सुविधा हो जाएगा। और आप लोग को इसमें ट्रेड भी कर सकते हैं। तो ये देखिए बाई लेवल सेल लेवल 1, उसके बाद बाई लेवल सेल लेवल 2, आप लोग कोई भी एक फॉलो कर सकता है। इसके बाद आएगा बाई सेल लेवल 3, ये है बाई सेल लेवल 3 और इसका है स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट, बोलिंजर बैंड, प्राइस चैनल और टीराम लेवल। उसके बाद कमोडिटी का दिखाता हूँ। आप लोग भी लाइव मार्केट में चेक कर सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कैसे लेवल मिलता है। आप लोग जो मैंने व्यू देता हूँ और आप लोग को फीडबैक मेरा और भी अच्छा वीडियोस और भी एनालिसिस करने के लिए मोटिवेट करेंगे, तो वीडियो आप लोग को फीडबैक जरूर दीजिएगा।
उसके बाद और भी कुछ कमोडिटी बाकी रह गया। उसका देखा देखा हूँ सेल लेवल 1 2 आप लोग पहुँच करके देख सकते हैं। सेल लेवल 3 पिवट पॉइंट बोलिंजर बैंड प्राइस चैनल टिनल लेवल। उसके बाद मैंने कुछ फ्यूचर्स का लेवल दिखा देता हूँ, वाइसल लेवल 1 ही दिखाता हूँ। उसके बाद मैंने 100 डे ईमेल स्ट्रेटेजी दिखाता हूँ, कौन सा लेवल पे कौन सा फॉर्म हुआ है। कौन सा स्टॉक्स में ऐसा सीनरी बना है वो भी आप लोग को दिखाता हूँ। बस लीजिए इधर अदानी पावर और अदानी पोर्ट में दिखाता है, मैंने चार्ट में दिखा देता हूँ। अदानी पोर्ट रखना पड़ेगा जो कि आज रिपोर्ट को काट किया है, आज का कैंडल को काट किया है, तो इसका जब हाई लो तोड़ेगा तो अच्छा मोमेंट मिलेगा। उसके बाद देखिए इधर आज पावर में बना है, छोटा स्टॉक्स आप लोग एवॉड कर सकते हैं, अपोलो टायर और फार्मा बजाज ऑटो सब और फार्मा में एक बार देख लेते हैं। और देखिए इसको काट किया है, अच्छा तो ये सब आप लोग देख सकते हैं और नहीं भी कहूँगा मैंने जो पिछले विश्वास कर ग्रुप में मैंने आप लोग फ्री टाइम ज्वाइन हो सकता है उधर देखने के लिए मिल जाएगा पूरा फाइल। उसके बाद मैंने इंसेंट अबाउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दिखाता हूँ। लेकिन सेंट अपर स्टडिंग ट्रेडिंग मैंने बहुत दिन से बोल रहा हूँ, आप लोग को शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो 1 डे के हिसाब से इसका अगला दिन का कैंडल आज का कैंडल का अंदर रह गया, उसका मतलब अगला दिन का कैंडल का अंदर आज का कैंडल रह गया। इसके बाद ये देखिए अदानी पोर्ट में ऐसा फॉर्मेशन हुआ है, आप लोग को लिखा देता हूँ अदानी पोर्ट। देखिए जो कल का कैंडल है वो आज का कल का जो कैंडल है आज का जो कैंडल है ये कल का कैंडल का अंदर रह गया, तो ये 1 डे का रिसेंट है और इसको बोलते हैं। तो ये जो वहाँ पे इसका जो अगला दिन का कैंडल का हाई एंड लो जब तोड़ेगा तो अच्छा मूवमेंट देता है। इसके बाद और जो इनर कोरल इनर का जो स्ट्रेटेजी है वो करेंट कैंडल का अंदर सोच लीजिए आगामी एंड में दिक्कत है आगामी एंड्स। देखिए इधर जो करंट कैंडल का जो हाई एंड लो दिखाता है, मतलब ये जो पिछले वाला 3 कैंडल एनएफपोर का पिछले पिछले वाला 3 कैंडल का जो हाई एंड लो का डिफरेंस है वो आज का हाई लो का डिफरेंस सबसे कम है। ये 3 तीनों कैंडल का हिसाब से आज का कैंडल का हाई एंड लो का डिफरेंस सबसे कम है, तो ये इसका हाई लो जब तोड़ेगा तो अच्छा मूवमेंट मिलता है। ऐसा प्राइस एक्शन है ये एरिया 4 और एरिया 7 दोनों में बनता है, मतलब अगला 6 भी छोड़ के अगला 5 कैंडल जो सॉरी अगला 6 कैंडल जो है एरिया 7 भी है, तो आप लोग इसको शेयर मार्केट में चेक कर सकते हैं। इधर ये दोनों दिखा दिया, इसके बाद जैसे जी इधर एक्सिस बैंक में भी एरिया 4 एरिया 7 फॉर्म हुआ है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में एरिया 4 एरिया 7 फॉर्म हुआ है, बायोकॉन में 1 डे का है और ब्रिटानिया में देखिए 1 डे इनर 4 इनर 7 फॉर्मेशन हुआ है सेंचुरी टेक्स में, और 1 डे और 2 डे का 1 डे 2 डे और इनर 4 हुआ है सेंचुरी टेक्स में। वह दिखा देता हूँ